प्रतिस्पर्धा के इस दौर में टेक्नोलॉजी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने EWS सर्टिफिकेट बनने के लिए किसी और को दिया है और उन्होंने आपको अप्लाई करके EWS सर्टिफिकेट का रसीद आपको दे दिया है, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो बना है कि नहीं। उसके लिए आपको अपना गूगल क्रोम खोल लेना है और आपको वहाँ पे झार सेवा के वेबसाइट पे चले आना है और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए नो स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन करके का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट चूज़ करना है। स्टेट गवर्नमेंट पे जैसे आप चूज़ करेंगे यहाँ पे एक ई खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट से आप हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जगह पे आपको अपना जो EWS सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। तो चलिए यहाँ पे हम इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर EWS सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर जो है ये, इसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कियोस्क और ऑनलाइन है तो यहाँ पे हम कियोस्क पे सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी से आप अप्लाई करवाते हैं तो, अगर ऑनलाइन अप्लाई आप खुद से करते हैं तो आप ऑनलाइन में आप क्लिक करेंगे। चलिए रेफरेंस नंबर हम यहाँ पे अब अपना डाल देते हैं। ये रहा मेरा रेफरेंस नंबर जो मैंने अप्लाई करवाया है, किसी खुद से किया है मैंने। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट सेलेक्ट करना है। चलिए जिस डेट को मैंने अप्लाई किया है वो डेट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आपको अपना रसीद में आपको मिल जाएगा, रेफरेंस नंबर और डेट, ऑनलाइन अप्लाई का डेट, ये दोनों यहाँ पे डालने के बाद आपको नीचे यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है सेम टू सेम आपको यहाँ पे नीचे लिख देना है, जैसे है भी 634QU, उसके बाद सबमिट कर देना है। देखिए ये मुझे कह रहा है कि आपने जो कैप्चा है वो गलत डाला है। हाँ, मैंने क्यू के जगह पे एट द रेट लिख दिया है। चलिए इसे हटा कर फिर से क्यू कर देते हैं और उसके बाद अब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। जिससे ही सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे मेरा जो रेफरेंस नंबर और सारे डिटेल्स यहाँ पे मेरा खुल गया है कि किस प्रोसेस पे है वो। यहाँ पे देखिए ये मुझे कह रहा है कि सारा जो है वो फॉरवर्ड हो चुका है और ये सर्टिफिकेट जो है वो डिलीवर हो चुका है। देखिए यहाँ पे डिलीवर हो चुका है, सर्कल ऑफिसर द्वारा ये जो है डिलीवर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। यहाँ ये बोल रहा है कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट द कियोस्क टू कलेक्ट एट द विलो गिवन डिटेल्स। मतलब ये कह रहा है कि आपने जो सर्टिफिकेट अप्लाई किया है वो आपका सर्टिफिकेट तो बन गया है लेकिन आप इसे खुद से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो नीचे डिटेल्स दिया गया है इससे आपको कॉन्टैक्ट करना होगा आपको सर्टिफिकेट को लेने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि मैंने खुद से अप्लाई किया है तो यहाँ पे मेरा नाम वगैरह आ रहा है। तो अगर आप जिसे भी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अपना EWS सर्टिफिकेट देते हैं उसके बाद जो आपको रसीद वो देता है तो उस रसीद में आपका जो रेफरेंस नंबर और ऑनलाइन अप्लाई का डेट रहता है उसके ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि आपका EWS सर्टिफिकेट बना है कि नहीं और आप उसे डाउनलोड करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर कैसे प्राप्त करेंगे जिसे आपने अप्लाई करने के लिए दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।